हे गाइस, सो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज है मेरा लंदन में सेकंड डे और मेरा प्लान कहीं और का ही था वैसे, लेकिन सुबह से आज बारिश हो रही है, इस वजह से मैंने वो प्लान कैंसिल किया। यहाँ के लोग तो ऐसा लगता है कि यूज्ड टू हैं बारिश से। आज मैं जा रही थी हॉन्स्लो हाई स्ट्रीट पे, तो अभी मेरी 15 मिनट्स की वॉक है बाहर के लिए, फिर मैं वहाँ से बस लूँगी। डायरेक्ट बस थी हॉन्स्लो के लिए, और यहाँ पर एक स्टॉप का बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी बस नहीं रुकने वाली है। हाई स्ट्रीट वर्ड जो ये यूज़ करते हैं, यहाँ की जो मार्केट प्लेसेस होती है ना, उनके लिए ये हाई स्ट्रीट वर्ड यूज़ किया जाता है, और ये इंडियंस का ना गढ़ माना जाता है। तो मतलब जो भी इंडियंस यहाँ पर आते हैं, मोस्टली वो इसी जगह को प्रेफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन चीज़ें अवेलेबल हैं, जो स्टोर्स हैं वहाँ पर इंडियन चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, खाना मिल जाता है इंडियंस का, तो इसीलिए लोग यहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। मैं तो यहाँ पर आई थी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, और अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो बस मैं मॉल में पहले आ गई थी अंदर, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो स्ट्रीट पे रुकने का भी फायदा नहीं था। बाहर भी काफी सारी इंडियन शॉप्स थी, जैसे कि हम फोन कवर्स वगैरह लेते हैं उनकी शॉप्स भी थी, तो मैंने वहां पर चेक किया फोन कवर, लेकिन जो हमें यहाँ पर 300-400 रुपीज का मिल जाता है, वो यहाँ पर मुझे 2000 रुपीज का मिल रहा था। फिर जब मैं अंदर आई तो मुझे सामने दिखाई दिए एसेसरीज थी काफ़ी सारी, और वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे इंडिया में भी अवेलेबल होती है, इसलिए मैं रुक गई थोड़ी देर वहाँ पे। ये पेंडेंट्स थे, एयरिंग्स थे यहाँ पे, और मैंने वहाँ पर पेंडेंट्स पूछे। यार वो पेंडेंट्स नॉर्मल जो मैं थर्सडे मार्केट से या तिलक नगर से ले सकती हूँ 50 या 100 रुपीज़ के, वो यहाँ पर 2000-3000 रुपीज़ के थे। ये रिंग यार, ये जो मैं 50 रुपीज़ की वहाँ से ले लूँ, या मैक्स 100 रुपीज़ की, यहाँ पर अमेरिकन ज्वेलरी बोलते हैं इंडिया में इसको, ये मुझे वहाँ पर 3000-3000 की पड़ रही थी, तो वो मैंने नहीं लिया। और फिर मैं आ गई यहाँ पर अपने लिए कपड़े चेक करने के लिए। यहाँ पर कपड़े भी देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडियंस जैसे पहनते हैं, जैसे उनकी चॉइस होती है, उसी टाइप के कपड़े थे यहाँ पे। आसपास की शॉप्स और चीज़ें देखकर ना समझ में आ रहा था कि लोग यहाँ पर इंडियंस रहना क्यों प्रेफर करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर रहते भी वही हैं, तो जो आसपास की मार्केट्स थी वहाँ पर इंडियन टेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें अवेलेबल थी। मुझे कपड़े भी वैसे ही दिखे, एक्सेसरीज वैसी थी, तो इंडियन टच लग रहा था यहाँ पर आकर। उसके बाद मैं शूज़ देखने गई तो, लेकिन वहाँ पर बॉयज़ की वेराइटी ज़्यादा थी, मुझे अपने लिए कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने वहाँ से शूज़ नहीं लिए। फिर एक जगह मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ थी, तो मैं भी वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे यार ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना रहे थे बलून यूज़ करके, और वो भी विद इन 2 मिनट्स, और मैं पहले रुक गई देखने के लिए कि अब ये क्या बनाने वाले हैं। और जो मेरे सामने बच्चा खड़ा था, उसके लिए शायद एक गन बनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं पूरा रुकी देखने के लिए कि वो क्या बना रहे हैं। और शायद अब वो जो गर्ल के लिए बना रहे थे वो यूनिकॉर्न बना रहे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग यार, अलग सी आर्ट है वैसे ही। और इंडिया के कंपैरिजन में ना, यहाँ पे मॉल्स में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि आप इंडिया में कभी कोई मॉल में जाओगे तो काफ़ी क्राउड होता है वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ अच्छी थी यहाँ पे कि जो लोग इंडिया से यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए आइटम्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसा उनका टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें थी, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं बाहर निकल गई थी अब, और यार बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, और ये लंदन की तो बारिश भी अलग ही लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त वेदर था। मुझे बारिश इंडिया में भी बहुत अच्छी लगती है, बट उसके बाद का
सब समझ सकते हैं कि कितना बेकार लगता है, बट यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़। फिर मैं यहाँ से जा रही थी कुछ खाने के लिए, लेने के लिए इंडियन फूड, तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या है और कैसे है। और अगर आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप माइंड में ये रखेंगे ना कि इंडिया में ये चीज़ इतनी मिलती है और यहाँ इतनी है, तो शायद आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में तो यार सब कुछ महंगा है यहाँ पे। फिर सामने थी वो मार्केट प्लेस हौंसलों की, तो मैं वहीं जा रही थी कुछ खाने के लिए, लेने के लिए। अंदर जाते ही स्टार्ट हो गया था लगना कि हाँ यार बिल्कुल इंडियन वाली फील आ रही है, लोग भी यहाँ पर इंडियन ही थे। यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी की मिठाई थी यार, अब समझ में आ रहा है इंडियंस यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। यहाँ पे छोले भटूरे, पाव भाजी, बर्गर, ये सब कुछ था। आगे पिज़्ज़ा वगैरह था, मतलब जैसे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ पे मार्केट होती है कि आसपास की शॉप से लेकर एक जगह पर बैठकर खाने, सेम वैसा वाला सीन था यहाँ पे। बस फिर मैंने अपने लिए पाव भाजी पैक करा ली थी, उसका टेस्ट मुझे सिर्फ ओके ओके लगा। घर पर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि आज रात को मैं जाने वाली थी नाइट व्यू के लिए लंदन में। फिर हम निकल गए थे अराउंड 12 बजे रात को लंदन के लिए। मैं नाइट लाइफ देखना चाहती थी लंदन की, इसीलिए पहुँचते पहुँचते हमें अराउंड 1:30 हो गए थे और भूख लग रही थी, तो पहले वहाँ पर हमने नूडल्स ट्राई की। यहाँ की ये फेमस है वॉक टू वाओ की नूडल्स, सो वही ट्राई करने के लिए रुके थे। अच्छे थे ये नूडल्स और बाहर बहुत ठंड थी, फिर यहाँ के रिक्शा इतने अमेजिंग लग रहे थे दिखने में। और नाइट लाइफ यार ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 2 बजे हम लंदन में खड़े हैं, ऐसे लग रहा था बहुत कम टाइम हुआ है अभी। यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे थे पकैडली सर्कस के वहाँ पे। ये स्पॉट काफ़ी फेमस है अपनी नियॉन साइंस और डिफरेंट डिस्प्लेस की वजह से, लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं इन व्यूज़ को देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे सिनेमाज़ हैं, शॉप्स हैं अलग अलग, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। तो पहले हम वहाँ पर जाने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे कौन से क्लब में जाते हैं हम। यार इतने अमेजिंग व्यू थे, सीरियसली इतने अमेजिंग व्यूज़, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ड्रीम में हूँ सच में, या फिर मैं कोई मूवी देख रही हूँ जिसमें इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी यार, कोई भी इंडिया से कहीं पे भी ऐसे जाएगा तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगा। लोग अपने में ही मस्त थे, सब अपना अपना इन्जॉय कर रहे थे। जो पकैडली सर्कस है ये, वो वेस्टमिंस्टर के वेस्ट एंड का एक रोड है बस। और इस जगह का नाम पहले पकैडली हॉल था और अब इसका नाम है पकैडली सर्कस। ये बना था अर्ली 17th century में, जो बनाया था एक लोकल टेलर थे रॉबर्ट बेकर उन्होंने। और लोग इसे बोलते हैं लंदन वर्जन, टाइम स्क्वायर है जो न्यूयॉर्क का उसे, तो मैंने उसे तो कभी नहीं देखा है न्यूयॉर्क का, बट होपफुली मैं बहुत जल्दी देखूँगी। लंदन का तो देख लिया, टाइम स्क्वायर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर, और रात को मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमने में। और वहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, और मेरा तो मैं अंदर से ऐसा फील कर रही थी कि विश मैं भी डांस कर लूँ, बट उस टाइम कोई था नहीं मेरे साथ ऐसे डांस करने के लिए। और यहाँ आकर ना मैंने एक और चीज़ फील की कि यार लोग ना बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है यहाँ पर, आपसे कोई पूछेगा नहीं आप कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, क्या डाला है, कब वापस आओगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। मैंने गलती से हील्स पहन ली थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यार, शूज़ ही डालने चाहिए यहाँ पे तो। और उसके बाद मैं बस विद इन 10 मिनट्स मैंने हील्स उतार दी अपनी, और इतनी ठंड थी बट स्टिल मैं वॉक कर रही थी क्योंकि मेरे को आगे तक जाना था। मेरा ना बड़ा मन था गोरों के बीच में डांस करने का, मैं चाहती थी गोरों के बीच में डांस करना, इसीलिए बस मैंने फोर्स कर रही थी कि क्लब जाएंगे।
तेरे गोटे दर्द होंगे। हाँ वो ज्यादा नम ज्यादा है। हाँ इस कंट्री में काफी वॉक थी अभी आगे तक। और यार यहाँ पर M&M का स्टोर था, इतनी सारी मैं चॉकलेट्स ले सकती थी यहाँ से, बट जिस टाइम मैं आई उस टाइम वो बंद था। और मॉर्निंग में पता नहीं अब मैं आ पाऊंगी यहाँ पर या नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रात को ऐसे जा रहे हैं तो अकेले जाना तो सही नहीं है, कोई अच्छी कंपनी या कोई अच्छा बंदा होना चाहिए आपके साथ जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे यार क्लब के बाहर और इतनी अच्छी हवा चल रही थी और अलग अलग तरह के लोग, ऐसे लग रहा था कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अलग अलग तरह के लोग थे। फिर एंट्री के लिए हम लाइन में लगे, कुछ 5 pounds हमने पे किए थे पर पर्सन एंट्री के लिए। फिर यहाँ से उन्होंने हमारे हाथ पे क्यूट सा हार्ट बनाया और हमने एंट्री ली अंदर के लिए। यार अंदर जाते मुझे लग रहा था मैं कोई दूसरी दुनिया में पहुँच चुकी हूँ यार, मतलब ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती थी मैं, जो मैं रियलिटी में इस टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी। यार काश ये लोग पंजाबी गाने बजा देते ना, फिर तो डबल मजा आ जाना था। अभी तो ऐसा लग रहा था कि मैं एंजॉय तो कर रही थी बट मेरा मन था खुल के नाचने का, वो चीज नहीं हो पाई यहाँ पे, बट स्टिल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी अभी हम कहाँ से आए हैं, हम बिगड़े हुए हो चुके थे लेकिन हम बिल्कुल सीधे हम लेकिन सुधरे हुए बच्चे हैं, लेकिन अब हम थोड़े से सुधरे हुए, इसलिए हम थोड़े से बिगड़ने के लिए का सीन हो जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, मतलब उसके बाद हम कैसीनो में आ गए थे। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा मना था बट स्टिल मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली वीडियो। बड़ा सही सीन था यार, अंदर ही ATM था, पैसे निकालो और पैसे उड़ाओ, सिंपल सीन, कोई टेंशन नहीं है पैसों की। वहाँ पर हमने 20 pounds लगाए, हमने गेम खेली और हम कुछ भी नहीं जीते उसमें, सिर्फ मज़े करने आए थे क्योंकि यार रैंडमली फालतू में नंबर सेलेक्ट करते जा रहे थे पता नहीं कौन कौन से, बीच में जीते भी, बट वही है ना कि जीत गए तो हारना तो है ही है उसको वापस। हमेशा याद रहने वाला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।